बाकी बचा हुआ हटाने के बाद मॉडलिंग क्ले से कोरलाइन बनाएं, बालों पर ब्लू पेंट करें, कपड़ों पर पेंट करना शुरू करें, रेनकोट और स्ट्राइपी टाइट्स। ये जगह कितनी सुंदर है। वाह, एक पुराना कुआं। लोग कहते हैं ये बहुत गहरा है। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मैं गहराई देखने के लिए पत्थर फेंकती हूँ। काफी समय लग गया। मौसम और खराब होने लगा है। हवा तेज और तेज होती रही जब तक एक तूफान नहीं आ गया। लकड़ी की दीवारों से एक बड़ी बिल्डिंग बनाएं। नोकीली स्पाइक्स बनाएं। लकड़ी के स्क्यूअर से सपोर्ट दें और स्क्यूअर से रेल्स बनाएं। और कुछ नई रेल्स और एक बड़ा सा एंट्रेंस डोर लगाएं। पिंक और व्हाइट एक्रेलिक पेंट को मिक्स करें। दीवारों को पेंट करें। पोल्स, रेल्स और सीढ़ियों पर सफेद पेंट करें। घर को स्टोन्स और मॉस से सजाएं। कमरों का डिजाइन काफी अच्छा है। ये सब कितना दिलचस्प लग रहा है। इस घर को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। ओह, काफी सुनसान जगह है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कोरलाइन कमरे को देख रही है दरवाजों और खिड़कियों को गिनते हुए। वाओ। ओह, अगर मैं थोड़ा सो जाऊं तो सही रहेगा। हाय बेड। उसे एक अजीब सा सपना आया। ऐसा लगा कि जैसे घर बदल गया हो। उस पर हर जगह फूल और लाइट्स है। वाओ। ओह, ये बहुत सुंदर है। क्या ये पिंक कैसल मेरा घर है? मॉडलिंग क्ले के पीसेस से एक डॉल फिगरीन बनाएं। वो बिल्कुल कोरलाइन की तरह लग रही है। कितना अजीब है। यहाँ आने के बाद आपको अपने सारे बॉक्सेस खोलने होंगे। मुझे फायरप्लेस को किस चीज से सजाना चाहिए? स्नोबॉल्स बढ़िया रहेंगी। वो क्या पड़ा है? दिलचस्प है। ओह, तुम कहाँ हो? हेलो। हे। ये गायब कैसे हो गई थी? विनियर शीट से दरवाजा बनाएं। लूप्स लगाएं। दरवाजा आसानी से खुल रहा है। दीवार को कवर करें और दरवाजे को उनके नीचे छिपा दें। और आपको एंट्रेंस के पास एक सॉकेट मिल सकता है। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई रास्ता है? ओह, तुम यहाँ कैसे आए? अजीब बात है, मैंने ये दरवाजा पहले कैसे नहीं देखा। ओह, ये तो लॉक है। मुझे इसकी चाबी ढूंढनी होगी। कहाँ हो सकती है? बढ़िया, मिल गई। क्या दीवार? ऐसी जगह पर दरवाजा लगाने का क्या ही मतलब है? ओह, चलो देखते हैं। तभी ब्लैक और व्हाइट क्ले से बनी फिगरीन सामने आती है। ये कोरलाइन की मॉम है। इसकी स्माइल कुछ शैतान जैसी नहीं लगती? और ऊपर से व्हाइट स्वेटर, आंखों की जगह बटन्स। मॉम, आपको क्या हुआ? So good. लगता है ये खुशबू किचन से आ रही है। हेलो। हाय हनी,
क्या ये बटन्स है? डिनर जल्दी तैयार होने वाला है, मैं तुम्हारे डैड को बुलाती हूँ। थोड़ा अजीब है, सब कुछ वैसा है पर फिर भी अलग है। कॉरलाइन एक अच्छी स्कल्प्टर है, बस थोड़ी देर का काम और रॉक पहने हुए डैड की फिगरीन तैयार है। उनके भी आंखों की जगह बटन्स है। बालों का रंग ब्राउन करें। रोप पर पॉल का डॉट प्रिंट है। ओह, अब ठीक लग रहा है। स्लिपर्स को मत भूलना। बनीज वाले ऐसे क्यूट पिंक स्लिपर्स मिलना मुश्किल है। कॉरलाइन अपने डैड के ऑफिस में आई। डैड कंप्यूटर पर काम करने की जगह पियानो के सामने बैठे हैं और एक अजीब सी धुन बजा रही है और गा रही है। आप पियानो नहीं बजा सकते। हाँ कॉरलाइन, पर मुझे तुम्हारे लिए एक गाना गाने दो। चलो ठीक है। वो साथ में गाने लगे ला 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 ला। और डाइनिंग रूम में चले गए। पूरी फैमिली ऐसे दिखा रही है कि कुछ अजीब नहीं हो रहा, पर कॉरलाइन को कुछ शक होने लगा। इस परफ्यूम कैप से एक केक लेयर बना ले। ये बर्थडे कैंडल्स है, इन्हें जलाएं। एक होल पंच से सपोर्ट बनाएं। डिजर्ट को टेबल पर रखें। कॉरलाइन की नई मॉम को कुक करना पसंद है, उसने अपनी बेटी के लिए केक बनाया है। यम्मी। कॉरलाइन के पेरेंट्स बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनके पास पहले कभी भी डिनर तैयार करने का समय नहीं होता था, पर आज इतना सारा खाना है। फैमिली एक अच्छी शाम बिता रही है। मॉडलिंग क्ले से बेल्डम बनाए। ये क्रिएचर सिर्फ कॉरलाइन की मॉम होने का दिखावा कर रही है। काली बाल, पतली सी बॉडी पर टाइट ड्रेस। ओह, वो अच्छी नहीं लग रही। बेल्डम बच्चों की आत्माओं को पकड़ती है। बेल्डम अपने आरामदायक कमरे में है। ये एक अंधेरी स्विमिंग वर्कशॉप की तरह लग रहा है। मुझे कॉरलाइन के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। चलो देखते हैं कि वो कितनी समझदार है। यहाँ क्या हो रहा है? बेबी, तुम्हें ये सपना पसंद आया है ना? नो। ये सब झूठ है। सोचो एक जैसी जिंदगी जिसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम इस सुंदर से घर में रहना चाहोगी? मुझे अपनी आँखें दो और मैं उसके कुछ बटन्स बना लूंगी, बिल्कुल तुम्हारी मॉम और डैड की तरह। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। एक क्ले पीस से ट्रायंगुलर स्टोन बनाए और उसे अवन में रखे। अब क्रिस्टल तैयार है। अचानक से बच्चों की आत्माएं उसके पास आई। खुद को बचाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया, पर तुम कौन हो? भूत उसे बताते हैं कि कैसे बेल्डम ने उनकी आंखें चुरा ली थी। ये लो, ये एक मैजिक क्रिस्टल है, ये तुम्हारी आंखें ढूंढने में मदद करेगा। बस इसी तरह तुम सबको बचा पाओगी। इस क्रिस्टल से देखने पर कैरोलाइन को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। सिर्फ बेल्डम की चुराई हुई बच्चों की आंखें चमकती हुई दिखी। वो जितने इकट्ठे कर पाई उसने की। शुक्रिया कॉरलाइन, आत्माओं को उनकी आंखें वापस मिल गई। मॉडलिंग क्ले से एक फेस को दबाएं, कैट फेस की शेप बनाएं। और पूंछ और पंजों के साथ बॉडी तैयार है। हमारे पास नीली आंखों और नुकीले मूंछों वाली बिल्ली तैयार है। कॉरलाइन अपने बेड पर उठती है। क्या सच में? ये बस एक सपना था। वहाँ कौन है? उसे अपनी खिड़की पर एक बिल्ली दिखाई दी। ये बेचारी तो पूरी गीली है। कॉरलाइन खिड़की खोलकर कैट को अपने बेड पर ले आती है। कैट खुशी खुशी लेट जाती है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया।